ये मेरा रोजाना 30-40 लाख की सेल होती है, मैं सारी सेल उसको दे दूंगा जे अगर वो गलत साबित करे। पढ़िया लिखिया ग्रेजुएट आदमी है तू, कैसी तू गल करने है जेड़ी दा तेनू पता ही नहीं है। पहले पता दे घर जा के पैलियां जो कब्बे सज्जे किसी जिमीदार को जा। तरबूज को पहले नंबर से इंजेक्शन लग ही नहीं सकता, अगर इंजेक्शन लगे तो इसमें जाग निकले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। एक मशहूर डॉक्टर ने सोशल मीडिया पर बैठकर ये कहा कि तरबूज को इंजेक्शन लगाए जाते हैं और फिर इसको खाने के बाद जो मेदे का कैंसर है ना, उसकी जो है वो बढ़ती हुई वबा फैलती जा रही है। मैं इस वक्त लाहौर की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो ट्रक हैं वो लगे हुए हैं, व्यापारी हैं वो भी मेरे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि ये किस तरह इस तरबूज में इंजेक्शन लगाते हैं और इसको मीठा करते हैं और इसका जो रंग है ना वो लाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा भाई तुसी मन दसो कि तरबूज दे विच तुसी इंजेक्शन किस तरह लगाते हो? आप ये सोच ही नहीं सकते कि इसको इंजेक्शन लग जाए। मैं तकरीबन बचपन से यही काम कर रहा हूँ तो मुझे कम से कम 30 साल हो गए यही काम करते हुए। तरबूज को पहले नंबर से इंजेक्शन लग ही नहीं सकता, अगर इंजेक्शन लगे तो इसमें जाग निकलेगी। सर वो डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाकर दिखाया आवाम को कि जिस तरह इंजेक्शन लगाया जाए। उसने अपनी जो है ना शोहरत के लिए किया है, उसकी जो है ना टिकटॉक जो वो उस पर वो डॉक्टर है, इतना फेमस डॉक्टर है, उसको क्या जरूरत है शोहरत? इधर आ जाए ना, ये मेरा रोजाना 30-40 लाख की सेल होती है, मैं सारी सेल उसको दे दूंगा जे अगर वो गलत साबित करे। अगर वो गलत साबित होगा ना तो उसको उल्टा मैं इधर लटकाऊंगा। ये सब जो सबसे अच्छा फ्रूट है जो सारी जिगर जिसका बंद होता है उसका जिगर खोल देता है, ये वाटरमेलन है। उसने तो कहा है कि मेदे का कैंसर बढ़ता है इससे। गलत कह रहा है, तरबूज खाने से इंसान का चेहरा साफ हो जाता है, इंसान का दिल सही हो जाता है, जिगर जिसका काम छोड़ जाता है उसका जिगर दोबारा काम करने जाता है, ये अपग्रेड करता है। ये सिस्टम जिसको आप कहते हैं ना अपग्रेड कर दिया मोबाइल को, ये ऐसे है जैसे तरबूज खाओ और अपग्रेड हो जाओ। पठान साहब हम सबसे ज्यादा क्यों पावरफुल है? वो तरबूज रोजा रखते वक्त ही तरबूज खाते हैं और इफ्तारी भी तरबूज से करते हैं। सबसे ज्यादा अगर खाया जाता है तरबूज तो पठानों से, पठानों में बीमारियां क्यों नहीं? हालांकि वो नशे भी करते हैं, ये चरस भी पीता है, ये हमसे ज्यादा वाइट भी है, क्यों है? ये तरबूज खाते हैं, हमसे तो ये हजम भी नहीं होता। हम पंजाबियों से क्या ना, ये इन पठानों से पूछो इसकी कदर क्या है वाटरमेलन की। वो डॉक्टर का जो मकसद है इंजेक्शन लगाने का, वो क्या मकसद है, क्या वजह है? वो यही कह रहा, उसने अपने आप को फेमस करना था, भाई मैं पूरी दुनिया में मेरी बात चली जाएगी, मैं मशहूर हो जाऊंगा। कम से कम अपना नाम बनाने के लिए सारे जिम्मेदारों का और जो खाने वालों का उसका दिल उनको हार्ट को तकलीफ दी है, बस ये उसके लिए यही काफी है। अल्लाह ताला जो कैंसर वो बता रहा है ना, तरबूज अल्लाह करके ना खाए उसी को कैंसर हो। अच्छा चाचू जी तुसी तरबूज फड़े है तो किस तरह इंजेक्शन लगाते हो तुसी? इंजेक्शन लगता ही नहीं तो कौन लगाता है? 100 बीमारी का तोड़ है जन आई जी, ये डॉक्टर ही दसते ने, ये डॉक्टर दसते ने 100 बीमारी का तोड़ है। ये नाजिन ये देखें कि ये तरबूज जो है ना वो आपके सामने इनको निकाला है और ये लाल सुरखा ये खा रहे हैं, सारे सब खा रहे हैं ये लोग। और यहाँ पर रश आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पांव रखने की जगह नहीं है। और डॉक्टर साहब की तरफ से ये कहना कि जी इसमें रंग तो बन सकता है, आप समझ सकते हैं यहाँ पे रंग बन गया है। जायका तो अल्लाह ने डालना है, जायका तो इंजेक्शन नहीं ना डालता, ये जायका कुदरत का डाला हुआ है। जो सब फेक न्यूज है उस पर कान ना धरें, ये इंशाल्लाह अल्लाह ने पकाया है। अब इतना टेम्परेचर लोग कह रहे हैं ओवर हो रहा है, ज्यादा कलर बन रहा है, तो हमें टीका लगाने की क्या जरूरत? ये जब अपनी उम्र का पूरा होता है ना ये ऊपर से ऐसे हो जाता है, जब ऐसे होता है तो पक जाता है, हम वो पक्का ही उठाते हैं। यानी कि उस डॉक्टर का ये कहने का मकसद है कि उन्होंने जो इस पर तो अपनी दानिशवरी जो है वो झाड़ दी है, लेकिन जो उसका अपना असल काम है ना उस पर वो कभी नहीं बात करेगा, वो करेगा भी नहीं। उसको ले आओ, हम तो चैलेंज कर रहे हैं ना, मैं 40 लाख उसको दे रहा हूँ ये साबित करे।
नहीं जी, डॉक्टर अफान साहब आपके लिए चैलेंज है कि आप इस मंडी में आए और अगर आप साबित कर दें इस पूरी गाड़ी में से किसी एक भी तरबूज को इंजेक्शन लगे, तो ये जो गाड़ी के मालिक हैं इनका कहना है कि मैं 40 लाख और ये कारोबार छोड़ दूंगा अगर ये साबित किया कि इन तरबूज को इंजेक्शन लगा गया। चाचू जी आप तुसी भी इतने किन्ने अरसे तो काम करते पे हो? सानू भी कोई 25 साल हो चले ने इधर, पर असी टीका लगता नहीं देखे अज तक, टीके लगते ही नहीं, इनू लग ही नहीं सकते। अल्लाह के काम ने, अल्लाह का माल है, अल्लाह का पानी लगता है, अल्लाह पकाने वाला इनू बंदा कौन पका सकता है? एने रंगबाजी की है दुनिया से, शोहरत उठाई उन्हें, व्यापारी परेशान है, आने टोकरी दवाना हो गया, दवाना आने टोकरी हो गया, 1500-1500 रुपए का मैंने दवाना बेचा है, 1500-1500 लाख रुपया गड्डी का बाटा है, जबकि इसने बोल दिया दवाना 30 रुपए का हो गया। की करिए बंदा की करे, सियाणा बंदा डॉक्टर साहब ने उत्तों अकलवंद ने, अकलवंद ना हो चलो बंदा करता, कोई साढ़े वर्गा जहल आदमी हो बंदा कर लेता, बंदा पढ़िया लिखिया ग्रेजुएट आदमी है, तू कैसी तू गल करने जी का तेनू पता ही नहीं है, पहले पता तो कर जा गया पैलियां चो कब्बे सज्जे किसी जिमीदार को जा बिल्कुल जी, ये बड़ा सवाल है कि ये जो इसकी जिल्द है ये लाल क्यों नहीं है? ये चाहिए असल गल है, इनू होना चाहिए। अच्छा इस तो लाल होता ना, थोड़ा सा थोड़ा रंग इधर चला जाता, थोड़ा लाल हो जाता, ये पूरा कुदरत का बनाया हुआ है, ऐसे इंसान बना ही नहीं सकता, ना इंसान की पहुंच में ये बात है। आखिर में डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने तरबूज को सस्ता कर दिया, अब तरबूज का रेट क्या चल रहा है? रेट तो जिम्मेदारों को बेड़ा घराक हो गया, अगली बार इस दफा सस्ता हो गया, अगली बार हमारी पहुंच में भी नहीं होगा तरबूज, क्योंकि जिम्मेदारों के पास कुछ होगा तो वो कुछ लगाएंगे ना। अभी बावल नगर में कनक जो है ना सस्ती हो गई है ना, तो वो कह रहा था अब इसमें मेरा दिल करता मैं हल चला दूं, हम भी वो आगे वाला लफ्ज मैं नहीं बोल रहा, वो कहता हम भी ये चीज नहीं खाएंगे और ये भी नहीं खाएंगे। यानी कि डॉक्टर का असल मकसद था वो आप जैसे जो भी ताजर हैं इनको डिग्रेड करना, इनको नुकसान पहुंचाना। ये हमने अपने सारे जो भी सोर्स हैं सारे इस्तेमाल किए हैं, खर्चे किए हैं, मंडी में तरबूज लाए हैं, अगले साल हमारे पास कुछ इधर से लेके जाएंगे तो अगले साल लगाएंगे ना। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ? ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰਬੂਜ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 3-3 ਲੱਖ 5-5 6-6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬੰਦਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਮਸ ਡਾਇਲੌਗ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋ? ਯਾਰ ਲਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਟਿੱਕੇ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, अवाम कोई फुद्दू दे नहीं है यार, अवाम नु भी पता, अल्लाह ने आड़ी आड़ी अखा दी ने, उन्होंने अवाम नु बना दिता ना, फिर अवाम नु तो बना लिता, जड़े जड़े मंडी दे आले होंदे ने ना, मंडी दे गाहक जिन्ने गए ने उन्हां नु नहीं बना सकदे, बाहर आले जड़े गए ने बुढ़िया हो गए ने बच्चे हो गए ने उन्हां नु बना लिता। अल्लाह की नेमत के ऊपर इल्जाम लगाते ना, उसकी एक ही नसीहत है, घसीट घसीट कर मारना चाहिए उसको, क्या वो ट्रक के ऊपर लगे हुए सब में इंजेक्शन लगाए हुए हम लोगों ने, वो डॉक्टर बता रहे ना उधर आपको, डॉक्टर दे रहे मंडी में आए, इधर कोई कुछ मौजूद तो करे, कोई साबित करे कि ये हजारों से। ये नाजिन मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जरा अपने दाएं बाएं दिखाए और ताकि डॉक्टर साहब को समझ लगे कि यहाँ पर तरबूज की कितनी सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हैं और खरीदार आप देखें कि ये कितने ज्यादा खरीदार हैं, और ये जो तरबूज है ये जब अपने हमारे घरों तक पहुंचेगा तो इसमें कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें कोई इंजेक्शन लगा सके। डॉक्टर साहब की ये जो दानिशवरी थी इस पर कई सवाल उठे हैं और अब डॉक्टर साहब को जो तनकीद कहना वो सामना करना पड़ रहा है, ये लोग जो है वो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर खड़े होते हैं अपना काम करते हैं। बहुत मेहरबानी, ये ड्रामे छोड़ दो,
ये ड्रामे छोड़ दो, टीके लगाने वाला जो है ना आवाम को बुद्धू ना बनाओ। नवाज शरीफ जो था वो तो पा गया, आवाम को बुद्धू बना लिया, वापस आ गया। इमरान खान को अंदर कर लिया ना, वो आ गया। इमरान खान बाहर था, उसकी इतनी जरूरत ही नहीं थी बाहर आने का।